हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं पुष्पेंद्र गौतम। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर होगा ये मैथमेटिक्स का लेक्चर है, और मैथमेटिक्स में हम जो बात कर रहे थे वो पार्टनरशिप के क्वेश्चन पढ़ रहे थे। पार्टनरशिप का ये अगला जो है लेक्चर आपके सामने हम लेके आए हैं, और इसमें हम देखेंगे किस प्रकार से पार्टनरशिप के क्वेश्चन आप बड़े से बड़े क्वेश्चन भी आप इजिली से जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं इसका जो है पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहे हैं उसकी बात करेंगे। यहाँ पे कह रहे हैं चार दूध वाले हैं, एक चरागाह पर को मतलब किराए पर लेते हैं, एक जो है वो 18 महीने चराता है गाय, सॉरी 18 गायों को 4 महीने चराता है, उल्टा हमने बोल दिया चराता है, और बी जो है 25 गायें 2 महीने चराता है, सी जो है 28 गायें 5 महीने चराता है, डी जो है वो 21 गायें 3 महीने के लिए चराता है। तो आपको बताना है कि यदि ए ने जो है 360 किराया चरागाह का कुल किराया कितना था। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, खाली रेशियो निकाल लीजिए, एक अनुपात में निकाल लीजिए, सबका यूनिट जोड़ के मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे करते हैं। ए ने जो है 18 4 25 2 याद रखिए, ए ने जो लिया था वो 18 महीने के लिए था। हम डायरेक्ट यहाँ पे करेंगे, रेशियो देख लीजिए, 18 महीने के लिए लिया था उस चरागाह को, सॉरी 18 महीने के लिए नहीं, 18 गायों को उसने जो लिया था 4 महीने के लिए, बार बार 18 याद आ रहा है, ये 18 महीने के लिए नहीं था, ये 18 गायें हैं, 18 गायें मतलब ये 4 महीने के लिए, कुछ भी मान लो सब सही है। और दूसरे ने क्या किया, 25 गायें जो है वो चराने का ठेका ले लिया 2 महीने के लिए, और सिर्फ 28 गाय 5 महीने के लिए, 25 गाय जो है उसने चराने के लिए 2 महीने का ठेका ले लिया। और अगला जो सी वाला था उसने कितना किया, उसने 28 गायें 5 महीने के लिए ठेका लिया है, 28 गायों को वो 5 महीने चराएगा। और डी ने क्या किया, डी ने जो 21 गाय लिया उसको 3 महीने वो चराने का जो है वो वादा किया है, 3 महीने के लिए वो मतलब भाड़ा देगा, बस इतना जो है हम जान लेंगे इसके बारे में। इन सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितना जितना मल्टीप्लाई किया जितना टाइम के लिए वो चरा रहे हैं, पार्टनरशिप में यही करते हैं, बाकी कुछ करते नहीं। 18 का 4 गुना होता है 72 लिख दिया, ये 25 का 2 गुना होता है 50, 28 पंजे 140 होता है, ठीक है, 28 पंजे 140, 5 अट्ठे 40, और 5 का 2 गुना 10, 4 14 ये हो गया। अब 21 या 63 होता है, इन सभी को जोड़ लीजिए, टोटल कितना निकल के आ जाएगा, टोटल निकाल लीजिए, टोटल निकल कर हमको काम लगेगा, क्योंकि देखिए 3 यहां पे था और 0 0 3 2 5 हो गया, तो 5 यहां पे मिल गया। अब लास्ट में जो निकल के आ रहा है 6 इधर था, 6 4 10 हो गया, 10 5 15 हो गया, 15 7 5 12 होता है, तो यहाँ पे 3 2 5 था, 6 4 10 5 15 7 5 12 22 का यहाँ पे 2 हो गया। अब बचा हुआ कितना है, 1 बचा हुआ है और 2 3 300 यहाँ पे 25 आ गया, ठीक है, ये 325 जो है वो निकल के आ गया। तो ये 325 जो है टोटल सम निकल के आ गया है कि कुल जो है मतलब भाड़ा होगा कितना, हमको कुल पता करना होगा, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि कितना जो है ए खर्च कर, ए का जो किराया 360 रुपए, ए का जो किराया है वो 360 रुपए, जब बोलिए 72 यूनिट इसका जो किराया था वो था 360 के बराबर कर देंगे, तो 1 रुपया इसका किसके बराबर होगा, 1 यूनिट किसके बराबर होगा, तो 360 से हम 36 को डिवाइड कर देंगे ना, ठीक है, 36 का 2 गुना होता है 72, ठीक है, और यहाँ पे 10 बचा होगा, 10/2, 2 का 5 गुना। अब देखिए 1 यूनिट 5 के बराबर है तो 325 यूनिट किसके बराबर होगा, टोटल किराया निकलेगा, टोटल भाड़ा निकलेगा, तो 325 को हमने गुणा कर दिया यहाँ पे, 5 का 5 गुना होता है 25 के 5, 5 का 2 गुना होता है 10 10 का 2 गुना 10 और 2 12 होता है, 5 15 होता है, 15 1 कितना होगा 1600, किराया कितना होगा टोटल 1625, कहीं आंसर में दिखे तो वो टिक कर देना, 1625 जो है फर्स्ट नंबर दिख रहा है यही इसका जो है सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
दो साझेदार इतने इतने रुपए के साथ जो है निवेश करते हैं और सहमत होते हैं और 60 रुपए बराबर 60% मुनाफे को बराबर विभाजित करते हैं। जो 60% मुनाफा होता है उसको बराबर बराबर विभाजित करते हैं और बचे हुए मुनाफे को जो पूंजी ब्याज माना जाएगा, जो बचा हुआ मुनाफा है वो बराबर बराबर नहीं बटता है, वो दोनों में अनुपात में बटता है। ठीक है, 60% बराबर बराबर, 30% बराबर बराबर नहीं बटता है। तो आपको बताना है कि यदि एक साझेदार जो है वो दूसरे से 300 अधिक मुनाफा कमाता है, एक जो है 300 अधिक मुनाफा कमाता है, तो आपको बताना है कि व्यवसाय का कुल मुनाफा कितना होगा। अब देखिए टोटल मुनाफा में 60% तो बराबर बराबर बट जाता होगा, बचा हुआ 40% ही डिफरेंट होता होगा, तो 40% का ही माइनस करेंगे हम 300 अधिक आएगा। 60% तो बराबर बराबर है, उसको अगर जो हम माइनस करेंगे वो एक्स कुछ भी आए वैल्यू वो माइनस हो जाएगी, वो जीरो हमको आंसर देगी। लेकिन जो 40% है वही हमको जो है वो क्या दे देगा, टोटल इनका जो है वो मुनाफा दे देगा कि कितना जो है आ रहा है। तो यहाँ पे हम कुछ नहीं लेंगे, हमें जब क्वेश्चन में दिखा जाता है तो हम हमेशा जीरो कैंसिल कर देते हैं, केवल संख्या लेते हैं। यहाँ पे 3 जीरो थे, यहाँ पे 3 जीरो थे, 3 जीरो 3 जीरो से इधर के कैंसिल, 3 जीरो 125 और 85 केवल हम यहाँ पे रखेंगे। तो पहले हम 125 को लिख देते हैं, बाद में हम 85 लिख देते हैं। इनका रेशियो निकालेंगे तो रेशियो कितना आएगा, 125 और 85 का 5 से डिवाइड कर दीजिए तो 25 पंजे 125 और 17 पच्चे 85 होता है। ठीक है, 25 पंजे 125, 17 पच्चे 85। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा था कि जो उनका 40% है वो ब्याज में बटता है अनुपात में और 300 अधिक है, एक दो दूसरे से साझेदार से 300 अधिक रुपया प्राप्त करता है, 300 प्राप्त करता है। इसका मतलब ये है कि ये 40% में ही माइनस होते होंगे, 60% तो बराबर बराबर बटता होगा। तो 60% वाला हम लेंगे ही क्यों, हम 40% वाला लेंगे। अगर जो इसका जो है मान लेते हैं ये लाभ है, इसका लाभ ये जितनी पूंजी लगाएंगे उसी हिसाब से लाभ भी बटता है, ये जो हमको पता है। इसका मान लेते हैं कि ये पूंजी का अनुपात 25 और 17 था, इसी अनुपात में लाभ भी बटेगा, तो इनका इनका माइनस कर देंगे, यही 300 के बराबर हम मान लेते हैं जाके, तो 25 में से 17 जाएगा तो बचेगा कितना 8, 25 में से 17 घटा दीजिए तो बचेगा 8। ठीक है, 8 यूनिट जो है ये 300 के बराबर है, 8 यूनिट ये किसके बराबर है, 300 के बराबर है। तो अब यहाँ पे एक किसी भी प्रकार से हमको पता करना है कि 8 यूनिट 300 के बराबर है, तो हम लेके चलेंगे, क्योंकि ये 40% है तो हमको 100% निकालना होगा। अब यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसको ये 8 यूनिट है, ये 40% है, तो चाहो तो यहीं से हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, और नहीं चाहो तो फिर इसको अलग करके जो है हम 100% जो है इसका निकालेंगे, जाकर के 8 यूनिट निकाल लेते हैं। तो ये 8% है, ये 40% जो है इसका जो है इसके मान लेते हैं, उसके बाद 100% निकाल लेते हैं, जाके एक यूनिट जो निकल के आएगा 300/8 आ जाएगा, एक यूनिट जो निकलेगा वो 300/8 आ जाएगा। अब यही एक यूनिट जो है एक प्रकार से ये 40% के इक्वल था, ये 8 जो है इसका जो है 40% था, तो यहां से हम निकाल सकते हैं ये जो एरिया इसका जो है वो 40% है। ठीक है, ये 100% होने के लिए क्या होना चाहिए, ये 100 से यहाँ पे गुणा किया जाए, 40 से डिवाइड किया जाए। तो इसी के लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं कि ये 300 दिया था, ठीक है, ये 40% था तो 40% हमने यहाँ पे ले लिया। अगर जो 100%, ठीक है, अगर जो ये 100% होता तो ये पूरा लाभ होता, पूरा प्रॉफिट होता, तो ये 40% था। अब ये 8 हमने यहां से डिवाइड किया है, इसके नीचे 40 केवल ले आए, यहाँ पे एक बचा होगा। ठीक है, अरे ये 40 चाहे इधर मल्टीप्लाई कर लेते चाहे इधर कर लेते, दोनों तरफ जो है मल्टीप्लाई किया जा सकता, तो हमने ऐसा मान लिया, हमने ऐसा समझाने के लिए। अब यहाँ पे देखिए 100% अगर जो होगा तो 100% के लिए यहाँ पे 100% से आपको गुणा करना पड़ेगा, ये परसेंटेज का साइन हट जाएगा और यहाँ पे परसेंटेज का जो है साइन हट जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ से हट गया, अब एक जीरो से ये कट जाएगा। ठीक, यहाँ पे कितना होगा 100% यहाँ पे जो जा रहा है, ये एक 8 टाइम था तो 8 चौक 32 हो जाएगा और यहाँ पे 3000 आ जाएगा।
आठ गुणे चार। अब और अगर जो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो चार आठ का एक पच्चीस, हम 125 अट्ठे कितना होता है 1000 होता है, तो इसके तीन जीरो कट जाएंगे और ये बन जाएगा 3 × 125। अब यहां पे जो बचा हुआ होगा नीचे तीन, अब नीचे जो बचा हुआ है वो 8 कट गया है लेकिन 4 जो है बचा हुआ है, ठीक है, इसी को हम डिवाइड कर देते हैं हमारा आंसर आने के लिए जो है पर्याप्त है। अब यहां पे जो निकलेगा इसका इसका मल्टीप्लाई यहां पे कर रहे हैं, 5 × 15 = 5, 5 का 2 गुना 10 है 11 का 1, 5 5 नहीं यहाँ पे 3 है, 3 3 × 15 = 5, 3 × 2 = 6, 7 हो जाएगा और 3 × 1 = 3 हो जाएगा, 375/4, ठीक है। अब कुल जो है यूनिट उनका कितना था, कुल जो यूनिट देख लेते हैं, कुल पैसा कितना था, ये तो डिफरेंस था इनका, ये डिफरेंस से हमने निकाला है इनका 100% जो प्रॉफिट निकाला है, लेकिन कुल लाभ उनका कितना था, तो ये 8 × 7 = 15 होता है, 35 होता है, और ये जो 35 × 8 = 15 के जो हो जाएगा 7 × 5 = 12 के 2 हो जाएंगे, 2 बन गया और 3 × 1 = 4 हो गया 42 से अगर जो हम मल्टीप्लाई करते हैं जाके तो हमारा आंसर आएगा, यहाँ पे हमने 42 ले लिया, ठीक है। ये 40% था, इसको हमने 100% बनाया उसमें पहले, और अब हमने यहाँ 42 मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये एक यूनिट हमने निकाल लिया है, एक यूनिट अगर जो हमें पता हो गया तो 100% का मतलब निकाल लिया एक यूनिट, अब हम टोटल हमारा जो रेशियो था वो हमने निकाल लिया है, अब हम पहले से मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा, तो 7 × 21 ये आ जाएगा, 21 टाइम जाएगा, 21 का 2 गुना 42 होता है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। और भी अगर जो इसको हम मल्टीप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो फिर इसको हम ऐसे भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए ये यहाँ पे 21 दिया है, 21 × 5 = 105 होता है, 10 कैरी आ गया, 21 × 7 = 147 होता है, 10 × 1 = 57 हो जाएगा, कैरी आ जाएगा 15, 21 × 3 = 63 होता है, 21 × 3 = 63 होता है, और 63 में 15 जोड़ दोगे तो 68 चला जाएगा, और 21 एक बार जाएगा 21 हो जाएगा, और 21 और 21 में जो है 7 जोड़ दोगे तो ये 28 आ जाएगा। कहीं गलती हो रही है क्या, 3 ही टाइम था, 21 × 63, एक मिनट, ये 1 नहीं है, ये 1 नहीं इसका वो पार्ट है, 21 जो है यहाँ पे जाएगा 21 × 63, तो 63 और सर यहाँ पे जो है 15 जाएगा तो ये 78 चला जाएगा, बटे 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 बार जाएगा 6 होता है, और उसके बाद में कैरी आ जाएगा, 2 का 9 गुना 18 होता है, और उसके बाद में जो आ जाएगा 2 × 3 = 6 होता है, फिर 2 × 7 = 14 होता है, 2 × 5 = 10, तो ये आ जाएगा 39 × 37.5 कहीं दिख जाए वही इसका सही आंसर है, 39 × 37.5 जो है इसका जो है सेकेंड नंबर में दिख रहा है यही इसका जो है सही आंसर बता रहा है। ये लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं, लेक्चर लेंदी हो जाएगा, और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, अच्छा लग रहा हो तो इसको शेयर कर दीजिए दोस्तों में जो है, और वीडियो देखने के लिए बहुत